स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जूनी व्लॉग्स में। और मैं बहुत दिन के बाद आज व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि गाइस टाइम नहीं मिल पाता ज़्यादा व्लॉगिंग करने का। और आज एक ख़ास मकसद के साथ मैंने कैमरा उठाया है, वो ये है कि हम लोग जा रहे हैं किसी फैमिली ट्रिप पर। और वो हम कहाँ जा रहे हैं मैं आपको पहले भी दिखाती हूँ। अभी हम जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर है और अभी हमारी ट्रेन है निज़ामुद्दीन से। निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन पर हम उतरेंगे और फिर निज़ामुद्दीन से हमारी ट्रेन है। ट्रेन कहाँ की है अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। अभी मैं आपको अपने बैग दिखा देती हूँ और साथ में उज़ैर, पापा, जूनी, जुबेर ये सब जा रहे हैं। हमारी फैमिली ट्रिप है तो भी मैं आपको बैग्स दिखाती हूँ। हमारे कितने सारे बैग्स हैं गाइज, ये हमारे सारे बैग्स ये रखे हुए हैं। कितनी ट्रॉली हो गई, 3 ट्रॉलीज हैं, 2 बैग्स हैं। और ये रहे पापा यहाँ पर, उज़ैर, और ये रहे जुबेर। तो जुबेर बताइए हम कहाँ जा रहे हैं। पापा बताएंगे कहाँ पे जा रहे हैं पापा जी। हम उदयपुर चित्तौड़ टू उदयपुर अजमेर। गाइस हम लोग जा रहे हैं उदयपुर, फिर उदयपुर से हम लोगों का इरादा है। गाइस मैंने आपको बताया कि हम लोग जा रहे हैं उदयपुर। उदयपुर में हमारा स्टे है, हमारे जो है पापा के रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हैं, पापा के फ्रेंड्स समझ लीजिए, और वो हमारे पूरे रिलेटिव्स की तरह ही हैं। तो हम उनके घर पे स्टे करेंगे वहाँ पे, आई थिंक 2 दिन करेंगे हम वहाँ पे स्टे। और फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे वहाँ से अजमेर के लिए, तो हम वहाँ पे अजमेर भी रहेंगे। अभी फिलहाल हमारी मेट्रो आ चुकी है तो अभी हम लोग जाते हैं, फिर आपसे मिलते रहेंगे हम। सो गाइज हम लोग निकल चुके हैं अपने सफ़र पर और हम लोग अभी ट्रेन में बैठ गए हैं। स्टेशन पर जो है व्लॉग बनाने का बिल्कुल कोई टाइम नहीं मिला क्योंकि हमारे पास इतना सामान था और साथ में जूनी भी थी और हम जो है बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे स्टेशन पहुँचते, इसलिए हम लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और अभी हम लोग अपनी ट्रेन में है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जुबेर भी है यहाँ पर, ये 2 सीट ऊपर और नीचे वाली हमारी है और ये दूर हमारी। सो गाइस जूनी ने हमें कुछ इस कदर परेशान कर रखा है ट्रेन में, हम उसे पोएम भी दिखा रहे तो उसे फोन अपने हाथ में चाहिए और किसी के हाथ से वो कुछ भी नहीं देख रही है और तहलका मचाई जा रही है। तो मैं कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या नहीं पूछ रहे। सामने देखिए उसे की सीट है और ये मेरी सीट है सबसे ऊपर वाली, और इधर वाली साइड वाली सीट जो है वो जुबेर की है। सो गाइज आपको मेरी शक्ल देख के पता चल रहा होगा कि मैं सो गई थी। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, हम जो है हमारी आँख पता है कैसे खुली, हमारी आँख खुली, सब लोग शोर मचा रहे थे कि हमारी ट्रेन 1 घंटे पहले चित्तौड़गढ़ पहुंच गई है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है क्योंकि मैंने कोई भी ट्रेन ऐसी नहीं देखी है जो 1 घंटे पहले जो है प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाए। तो चित्तौड़गढ़ में अभी फिलहाल हम, हमारी ट्रेन ये रही पीछे रुकी हुई है और जुबेर देखिए किस चीज़ के मज़े ले रहे हैं। क्या खा रहे हो भाई? राजस्थानी पोहा, जो कि हर स्टेशन पर यहाँ पर मिलता है। और अभी हम लोग यहाँ पर जो चित्तौड़गढ़ पहुँचने का टाइम था वो कितना था सुबह, 4:40 था, 4:40 था। और 3:40 पर जो है हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है चित्तौड़गढ़ में। तो अभी हम स्टेशन पर घूम रहे हैं और मज़े ले रहे हैं थोड़े रात के यहाँ पर स्टेशन पर। सो गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं उदयपुर। आप देख रहे हैं कि हमारी ट्रेन पीछे खड़ी है और अभी जस्ट हम प्लेटफॉर्म पर उतरे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। हम उदयपुर स्टेशन पर हम उदयपुर नहीं उतरे हैं, उदयपुर स्टेशन पर वही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो जो हमें पिक करने आ रहे थे उन्होंने कहा था कि आप उससे 1 स्टेशन पहले उतर जाना। क्या नाम है स्टेशन? महाराणा प्रताप नगर। महाराणा प्रताप, तो देखिए गाइस ये हमारी ट्रेन जाती हुई और उज़ैर और पापा आगे हैं।
गाइस आप देख सकते हैं सोनी और नीला जाते हो नहीं सोनी हेलो कर दो हेलो कर दो बिल्कुल नींद वाला अच्छा लग रहा है सबकी शक्ल नींद में हो गई सोनी So guys, हम लोग रेडी होकर निकल चुके हैं घूमने के लिए और अभी हम लोग ऑटो में बैठे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं सज्जनगढ़ पैलेस मॉनसून पैलेस सज्जनगढ़ पैलेस जा रहे हैं हम लोग और अभी बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेक पड़ी थी रास्ते में वो हमें दिखा शूट नहीं कर पाई अभी अभी आपको वहाँ पहुँच कर हम दिखाएंगे अभी नज़ारे दिखाएंगे सारी जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ शेयर करेंगे और मेरे पापा हमारे साथ नहीं गए क्योंकि थोड़ा पापा ने सब देख रखा है सब देख भी रखा और थोड़ा चलना पड़ता है पापा रेस्ट करने आए और ये सोनी देखिए हमारी सो गई है और ये जाग रही है देखो देखो जाग रही है गाइस आप देख सकते हैं ये राजस्थान के पहाड़ जो यहाँ की जान है यहाँ पे चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है सज्जनगढ़ फोर्ट जाने के लिए गाइज ऑटो ने हमें यहाँ पे छोड़ दिया है और आगे जाने के लिए हमें यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्सी हायर करनी पड़ेगी तो हम अभी वो लेंगे आप सामने देख सकते हैं ये टैक्सीज खड़ी हैं ये गवर्नमेंट टैक्सी ऊपर तक जाती हैं ऑटो ऊपर तक नहीं जाते हैं यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा टिकट ले रहे हैं सुबह यहाँ पे कितने की है गवर्नमेंट रेट है तो गाइज ये टैक्सी है जिसमें हम जा रहे हैं अभी बैठने के लिए 106 पर हेड आना जाना लेकिन उसमें दोनों है तो गाइज ये जो गवर्नमेंट रेट है टैक्सी के ऊपर जाने के लिए वो 106 पर हेड है आप सामने देख सकते हैं आना जाना इंक्लूड है हमें घर से यहाँ तक जो है ऑटो ने 160 में छोड़ा है और उसके बाद हम यहाँ से ऊपर जीप में जाएंगे और यहाँ की जो टिकट है वो भी बता दीजिए सुबीर 155 पर हेड 155 पर हेड इंडियंस गाइस हम फाइनली ऊपर पहुंच चुके हैं और अभी जस्ट मैं दिखाती हूँ यहाँ की खूबसूरती आपको इतनी ऊंचाई पर ये है आपको देख के अंदाजा हो जाएगा यहाँ से देखिए नज़ारा लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू गाइस बहुत ही प्यारा लग रहा है ये बहुत ही प्यारा और यहाँ पे उजैर अपनी स्नैप ले रहे हैं देखिए इतना खूबसूरत नज़ारा है इतना खूबसूरत नज़ारा है कि कैमरे में भी कैप्चर नहीं हो पाएगा ये जो कि आंखों से दिख रहा है थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको देखिए जरा और गाइस अभी जो मैंने आपको इतना खूबसूरत व्यू दिखाया अभी हम लोग और चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं फिर मैं आपको दिखाऊंगी वहां से कि कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस यहाँ से व्यू देखिए आप ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है लेक गाइस देखिए कितने सारे लंगूर यहाँ पर बैठे हैं थोड़ा डर लग रहा है इनसे ध्यान से जाएंगे हम गाइस अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे ऊंचाई पे बहुत ज्यादा धूप हो रही है तो इसलिए गॉगल्स लगाए और नज़ारे वाकई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है हमारी जूनी को दिखाती हूँ मैं आपको ये रही हमारी जूनी कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह लुक एट स्माइल स्माइल मामा ये क्या लगाया पम्मा ये देखिए गाइस यहाँ से भी नज़ारे इतना खूबसूरत लग रहा है गाइस हम ऊपर फोर्ट की तरफ जा रहे हैं इस सज्जनगढ़ फोर्ट को जो है मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है ये फतेह सागर लेक की बहुत ही खूबसूरत नज़ारे को पेश करता है मैं आपको बता दूं कि ये मेवाड़ राजवंश के महाराजा सज्जन सिंह के नाम पर इसका नाम जो है सज्जनगढ़ पड़ा है जिसे 1884 में बनाया गया था
ये महल शहर की झीलों, महलों और आसपास के गांव के इलाकों का बहुत ही सुंदर जो है वो नज़ारा पेश करता है। ये मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं, ये मेनली जो है मानसून के बादलों को देखने के लिए बनाया गया था, इसी वजह से इस फोर्ट का नाम जो है मानसून पैलेस रखा गया, यानी सज्जनगढ़ फोर्ट रखा गया। सो गाइस अभी हम अंदर की ओर जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा ने अपने पुश्तैनी घर चित्तौड़गढ़ का नज़ारा लेने के लिए इसे पहाड़ी की चोटी पर बनवाया था। पहले तो ये मेवाड़ के राज परिवार के कंट्रोल में था, यानी कब्जे में था, लेकिन अब ये राजस्थान सरकार के वन विभाग के कंट्रोल में है और हाल ही में इसे जनता के लिए खोला गया है। महल जो है, ये जो महल है ये सनसेट के खूबसूरत नज़ारे को पेश करता है। अभी मैं आपको बाहर दिखाऊंगी। ये फ़िलहाल जो आप देख रहे हैं ये पूरा म्यूज़ियम है जिसके अंदर पूरे महल का नज़ारा दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ के जितने भी राज परिवार थे उनकी पूरी फोटोज़ लगाई गई हैं और इसके अलावा पूरी एक्सीबिशन टाइप में जो आप ये पूरा देख रहे हैं। उसके बाद बाहर जाके जो नज़ारा देखने को आपको मिलेगा वो आपको जो वाकई में हैरान कर देगा। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत पहाड़ की चोटियाँ देखने के लिए मिलती हैं और सनसेट का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिलता है। मेनली जो लोग यहाँ पर आते हैं वो सनसेट देखने के लिए आते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर सूरज को बहुत ही शांत उसमें माहौल में डूबते हुए देख पाएंगे, जो आप कहीं पर भी फील नहीं कर सकते। गाइज़ आप जान ही गए कि सज्जनगढ़ फोर्ट जो है उदयपुर में है, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो घूमने का जो सही वक्त है वो गर्मियाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। यहाँ जो है गर्मियों में टेम्परेचर 40 से 48 डिग्री तक पहुँच जाता है, इसीलिए सज्जनगढ़ फोर्ट घूमने का जो सही वक्त है वो सर्दियाँ हैं या फिर बारिश के दिनों में भी यहाँ आया जा सकता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ घूमने का जो सही टाइम है वो सुबह 10 से शाम 6 बजे तक है और मंगलवार को ये बंद रहता है। और एक और बात है कि सज्जनगढ़ में एक बायोलॉजिकल पार्क भी है जिसका समय सुबह 9 बजे से शाम को 4:30 बजे तक है और ये भी मंगलवार को बंद रहता है। तो गाइज ये है पूरी लेक और बहुत ही बड़ी लेक है, और इस लेक की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक आर्टिफिशियल लेक है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कितनी बड़ी है। उदयपुर में जितनी भी लेक है वो सारी आर्टिफिशियल है, पूरी दिख नहीं रही रात के टाइम है, इसलिए हमें पूरी दिख नहीं रही। पूरा बहुत बड़ा सर्कल है, पूरे बहुत बड़े सर्कल में फैली हुई, और यहाँ पे बोटिंग भी होती है देखिए। हाँ गाइस, कैमरे में नहीं कह दो सकता कि ये कितनी बड़ी लेक है, लेकिन बहुत ही बड़ी है। यहाँ पे खाने पीने की भी बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, देखिए। और इस जगह को चौपाटी कहते हैं, और ये देखिए कैमल खड़ी है राजस्थान की। और इसको क्या कहते हैं वैसे, ये जो चला रहे थे वो, ये बोट है? नहीं, वो जो चला रहे थे उसे क्या कहते हैं, स्पीड बोट, वो भी चलती है यहाँ पर। गाइज अभी हम यहाँ पर रुके हैं एक रेस्टोरेंट में मैगी खाने के लिए, और क्योंकि मेरा मैगी खाने का बहुत मन कर रहा था, और अभी हम ले लिए हॉट कॉफ़ी। जुबेर ने ली थी कुल्लर चाय जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और हमारी कॉफ़ी देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। मैं आपको दिखा दूँ सकल हमारी कॉफ़ी, मैगी हमारी बन रही है अभी।
सो गाइज ये था हमारा आज का व्लॉग जिसमें हमने आपको उदयपुर का अपना डे वन दिखाया। कल हम आपको अगले व्लॉग में आगे का दिखाएंगे। तो गाइज हमारे व्लॉग्स में बने रहिए अगर आपको पूरे उदयपुर विजिट करना है हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर वीडियोज़।